प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, क्लियरली हाई लेवल्स का प्रेशर स्क्रीन पे, इंडिसेस पे विजिबल है, स्टॉक फ्यूचर्स पे विजिबल है। आपका व्यू, आपके तीन स्टॉक्स और इंडिसेस पे आपका व्यू। जी विल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो अभी जो लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 22,200 टच एंड गो उस लेवल पे, मुझे लग रहा है आफ्टरनून के सत्र में ये एक बार टेस्ट या ब्रेक भी हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हो तो जो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट की तरह फ्यूचर्स पे काम करेगा वो होगा 22,135, 22,135। मुझे लग रहा है इस स्विंग के लिए ये लेवल बहुत अहम होगा और ये अगर ब्रेक होता है तो शायद पेन बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन हो, मुझे लग रहा है आज के लो पे इर्द गिर्द स्टॉप लॉस लग के ट्रेल करे, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओवरऑल शॉर्टिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं अगले एक दो दिनों में इस जोन में जो मैंने कहा फ्यूचर्स में 22,135 से लेके 22,050, इस 50-60 पॉइंट के जोन में मैं अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूंगा। सो फिलहाल निफ्टी के ऊपर मेरी राय होगी वेट एंड वॉच की। और जैसे मैंने कहा एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स आज के डे लो के नीचे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रिगर हो जाए तो आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यहाँ पे क्लियर कट ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है और आज हमने जो लो बनाया हुआ है ऑलमोस्ट 47,500 के आसपास फ्यूचर्स में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी वीकनेस बढ़ सकती है। जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो 47,350, 47,350, 47,400। ओवरऑल ये जोन मुझे लग रहा है इंटैक्ट रहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर एक बाउंस मिले तो हम एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल इन लेवल्स पे दोनों इंडेक्सेस पे कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होगी, दोनों ही वेट एंड वॉच लेवल पे होंगे, बट दोनों में वीकनेस है और चांसेस है कि आज के डे लो ब्रेक होके थोड़े और निचले लेवल्स नजर आए। बिल्कुल, और ये परिस्थिति मेरे को बैंक निफ्टी पे ज्यादा लग रही है। खैर प्रशांत, थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी से अपने तीन ट्रेड्स बताइए, क्या क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक फ्यूचर्स में? जी मीरू जी, मिक्स एंड मैच, मैंने एक स्ट्रेटजी ऐसी देखी जहां पे स्टॉक सपोर्ट के नजदीक हो ताकि रिस्क कम हो। तो फर्स्ट पिक मेरी होगी इंडियन होटल्स, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 560, टारगेट 595 का। नेक्स्ट पिक टेक महिंद्रा, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट के कगार पे बट यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है। So, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1284 और यहाँ से टारगेट होगा 1340 का। नेक्स्ट पिक अगेन एक बेस फॉर्मेशन डीएलएफ में नजर आ रही है, यहाँ 825 का स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट रखेंगे 865 का। दूसरा ट्रेड आपका? जी वीरू जी, इंडियन होटल्स, टेक महिंद्रा और डीएलएफ, ये तीन मेरे पिक्स होंगे। टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस 1284, 1284 टारगेट 1340 और डीएलएफ में 825 का स्टॉप लॉस और 865 का टारगेट। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुरु जी, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन में, एक स्क्वीज सी बनी हुई है और यहाँ से मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो इसकी जो 1800 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 45-46 पे ट्रेड करिए, 45-46 इसको खरीद के 30 के जस्ट नीचे 29-28 पे स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 65 से लेके 70, 75 तक भी जा सकता है, 65-70 टारगेट मान के चले।